गाइज ये है सीन अभी हमारा। ये स्कूटी में पता नहीं क्या हो गया, अभी हमने पेट्रोल भी भरवाया 150 का। पुलिस वाले थे, उन्होंने हमें देख लिया था, वहीं से ये ऐसे हाथ मार रहे थे। ये उम्मीद नहीं थी, ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन मैन। तो गाइस आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो पूरी व्लॉग होने वाली है। तो ये मेरे चैनल का पहला व्लॉग है, इससे पहले भी एक बार बनाई थी बट वो उतनी कुछ खास नहीं थी। तो इस व्लॉग में बेसिकली हम एक जगह जाएंगे जो हमें खुद नहीं पता, लाइक विल बी ऑन स्कूटी। तो मेरे साथ दो मेरे दोस्त आएंगे, शुभम और यश, और शायद पिछली ब्लॉग में तो थे वो, बट आई डिडंट अपलोड दैट ऑन माय चैनल। सो तो ठीक है गाइस, एंड तक बने रहना। अभी मैं जाने वाला हूँ बाहर, सारी चीज़ें मैंने ले ली है जो भी लेना था ज़रूरी के लिए, तो एंड तक बने रहना। ओके गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी बाहर हम निकल चुके हैं वहाँ से, घर से, और अभी पेट्रोल पंप यार बहुत कम था, ई पे था। तो मेरे साथ यश आ गया भाई, तुम्हें पता है, और शुभम भाई भी वहाँ पे पेट्रोल भरवा रहे हैं, यहाँ पे देख लो। तो अभी यहाँ पे पुलिस वुलिस थी, इसलिए मतलब मास्क तो वैसे लगाना ज़रूरी है। तो ये मैं पहन के आ गया क्योंकि यार अभी तो गर्मी है, लेकिन शायद थोड़ा लेट हो जाए। तो यस, पहली बात तो जैसा कि मैंने आपको सब बता दिया था कैसा सीन रहने वाला है, तो अभी है तो अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आने दो। अरे यार जो इसके कुछ लगते हैं, जो हम यहाँ पे आ रखे हैं जैसे नजफगढ़ रोड से हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैसे भी हम आना था, हमें कहीं भी जाना था, पिछली बार की तरह यार। जो पिछला व्लॉग मैंने बताया ना था, उसमें कहा था कि हमें मालूम नहीं था कि यार कहाँ जाना है कहाँ नहीं, लेकिन हमें डेस्टिनेशन पता थी। इस बार हमें कुछ नहीं पता, कहीं भी जा रहे हैं यार। थोड़ा आप सीन देख सकते हैं आसपास का, कुछ नहीं पता इन भाई को भी नहीं पता, शुभम भाई। तो अभी हम पता लगा कि हम नजफगढ़ रोड जो द्वारका जाती है वहाँ पर आ रखे हैं। तो अभी यार ठंड लगने लगी है, तो यार चेन लगा दे, तो लगा ले तो भाई, सच में ठंड लगी। तो गाइस अभी हम निकलते हैं, तो ठीक है अभी चलते हैं। अब ड्राइवर चेंज हो गया यहाँ से थोड़ा, तो शुभम भाई चलाएगा, भाई चलाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब मैं अपना सेल्फ शूट करूँगा इस टाइम, ठीक है, आपको चीज़ें बताऊँगा। गाइस एंड तक बने रहना, बहुत मज़ा, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। गाइज ये है सीन अभी हमारा, ये स्कूटी में पता नहीं क्या हो गया, अभी हमने पेट्रोल भी भरवाया 150 का, 150 का पेट्रोल भरवाया, लेकिन अभी भी कुछ फायदा नहीं है। ऑन करो भाई। सीन खराब है, वहां से चाबी की नहीं थी, पागल चाबी ऑन की नहीं थी। बैठ 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 जल्दी, चलो 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 दारो भाई, एकदम स्केलेटर रखियो, चले हाँ, चलो 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 भाई। हमारी स्कूटी भी पुरानी भी नहीं है, लेकिन जो हालत है किक मारना पड़ रहा है चढ़ा चढ़ा के। तो अगर ऐसा हुआ कि बाई चांस, क्योंकि यार हम सब अंडर एज, अगर पुलिस को शक हुआ, दिल्ली पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है, तो यार बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर उस टाइम रुक गई स्कूटी तो फिर हमें पहले डबल स्टैंड पे करना होगा, फिर लगाना होगा, तो यार बहुत दिक्कत हो सकती है। कोई तो भाई ऐसे हमारे पास दिल्ली पुलिस में, लेकिन ऐसे अपने घर वालों को बताया ही नहीं अभी तक। ये तो बात है, घर वालों को ये बताया कि हम आज ही जा रहे कहीं भी। तो गाइस अभी हम 2 किलोमीटर लगभग कवर कर लिए हैं, अभी हमें कम से कम 15 किलोमीटर और कवर करते हैं, 15 किलोमीटर, और अभी अभी शाम के 5:30 हो गए हैं। आराम से चलाया, की जरूरत नहीं है दोनों, मतलब ना ये वाला मीटर भी, स्पीडोमीटर भी काम नहीं कर रहा, ना फ्यूल वाला भी काम नहीं कर रहा। 1 किलोमीटर बाद वो जो रोड था खत्म हो गया, और अब यार बहुत बेकार रोड है गाइस, ये देखिए बहुत बेकार रोड है। आपको दिखा तो आप हलान देख सकते हैं, बस भाई स्कूटी नहीं रुकनी चाहिए, हैंडल मतलब स्केलेटर दियो पूरा। मछली बाजार में आ गया, हमें देखे कितने लोग हैं, बिल्कुल नहीं पता था हमें कि ये मछली बाजार है कि घंटा एरिया है यार। ये
पुल टूटा है, देख पुल टूटा है, रोड टूटा भी लग रहा है, रेगुलेशन का काम हो रहा है। पुल टूट चुका है गाइस, आप देख सकते हैं इस टाइम पूरा, मतलब ये हम नाले पे, बिल्कुल पुल है नाले में है और अंडर कंस्ट्रक्शन साइड है पूरी, आप देख सकते हैं। बता दें हम कौन से एरिया में आगे, पता ही नहीं। और ये अभी मैं दिखाऊंगा आपको एक सुनहरी दिल्ली की नदी, शुभ नदी है, आप देखिए आराम से कितना शुभ। अभी जस्ट मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, आगे वो पुलिस को देखने गए, तो एरिया आप देख सकते हैं किस साइड, किस साइड का, तो यहाँ पे मैं आया था। अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे अच्छे से कि क्या सीन है, आगे का सब सही है तभी हम आगे जाएंगे वरना नहीं। और मेरे आँख पूरे देख सकते हैं लाल हो गए यार, बहुत हवा चल रही है। पुलिस वाले थे, उन्होंने हमें देख लिया था, वहीं से ऐसे हाथ मार रहे थे, तो इसी वजह से यार हमें इस तरफ आना पड़ा। यार सच में यार मेरी फट गई थी बिल्कुल, कि यार अब क्या ही होगा, यार पता है नहीं क्या रास्ता है। तो अभी जो पूटर है, मतलब उसको शुभम भी बोलते, पूटर भी बोलते हैं, तो अभी आगे क्या देखने, अकेला और भाई हमने उसको भेज दिया है, भेज दिया हमने, हमें यहाँ तक का रास्ता नहीं पता। अब आगे नवादा मेट्रो स्टेशन आएगा, उसके बाद हमें रास्ता पता है पूरा, उसके बाद पता है दोस्तों। और गाइस हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है, मतलब हम करीब 4:30 बजे निकले और हमें 6 बजे से पहले घर पहुँचना है भाई, पहुंच जाएंगे नहीं, घर वाले को पता ही नहीं, पता ही नहीं है यार। और भाई मेरे को ना टेम्पो वाले, ठीक है, तो टेम्पो वाले को ना उसने हाथ दे दिया और निकला, मेरे को हाथ दे रहा है, मैं उसके पास जाके रुक गया, वो कहता जाओ जाओ, मैं चला गया और वो टेम्पो वाले को पकड़ गया। मुझे लगा भाई शुभम पक्का मोड़ेगा नहीं, मुझे ये पता था वो नहीं मोड़ेगा, और इसका डर मोड़ेगा नहीं तो फिर क्या हो गया यार, तो डर तो था, लेकिन जब भी यार किसी तरह हेलमेट का, हेलमेट लाने का फायदा हुआ भाई, फायदा हुआ, फायदा हुआ। आगे फिर उससे हम सीधा कम से कम 2 किलोमीटर जाएंगे और मेरे ख्याल से ग्वार के सेक्टर 14 आएगा, ग्वार के सेक्टर 14 आएगा, वहीं से थोड़ा सा आगे मॉल एकदम पूछ रहे हैं। यहाँ पहुँचने वाले हैं, यहाँ पे यार बहुत सही हवा चल रही है, अंदर होगी, पैसे भी लेगा क्या सामने, यहीं से अभी से मैं बाहर वेट कहाँ करूँगा। अबे हाँ वही तो भाई, ये ओला सुखी है, हाँ भैया यहाँ पे रखा है, मैंने ब्लॉग में देखा है, बहुत कोई भी पूछे कितनी एज है, 18+ बोला ना, 18+ बताना है, अरे फिर तो टेस्ट ड्राइव तो अब कहाँ चले, ऊपर चलते हैं, टेस्ट ड्राइव नहीं।
वी आर ब्लॉगर, तो पता क्या करेंगे, क्या चाह रहा है मन? अबे यही सीखते हैं बंदे ब्लॉगिंग में। मैं सौरभ जोशी से एक बार सीखा था, वो मैं खुद देखता रहता रोज, शर्म वरम भूल जाओ। अगर आपने थोड़ी देर रुकना है गाइस, हम आ गए, तो हम आ गए वॉशरूम में, आ गए बहुत तेज वॉशरूम लग रहा था। ये मेरे से बड़ा ब्लॉगर है, इसने मतलब इतने सही से सिनेमैटिक शॉट्स लेने हैं। चला चलते, ये रहा वॉशरूम बॉयज है ना, तो गाइस हम आ लिए बहुत ही परिश्रम के बाद, बहुत ही ज्यादा मतलब कि पता नहीं समझ नहीं आ रहा इसका जो चक्कर था ना गाइस, सही बताऊं गाइस बहुत मजा आ गया था। दोले दोले, हमें लगा नहीं था इतनी अच्छी दिखा देंगे तुक्के तुक्के में, हमें लग रहा था कहाँ जा रहे हैं जंगलों में, हमने कोई सोच रहा था सूट चले, वो रास्ता देख लो कितना सही था, ये हमारे दोस्त ने लगा रास्ता, बहुत मजा आ गया। और अभी आ गए तो चलेंगे, देखेंगे, खाएंगे पिएंगे थोड़ा बहुत, सही जगह भी हर जगह एक्सप्लोर करेंगे। यस गाइस, देख सकते हैं पूरे ग्रेट स्टार्स यहाँ पे आते रह गए, वो स्टैंड अप कॉमेडियन वाले सारे देख सकते हैं, टाइमिंग देख सकते हैं यहाँ पे 8 दिसंबर। हमारी
यूट्यूब पे जो गाने नहीं आते वो सब गाने इंग्लिश के गाने उसने मेरे को देखा वो ये देख लो बेसमेंट है लिफ्ट ना उधर बेसमेंट है ये रहा अरे भाई समझ नहीं आ रहा बहुत थक गया बहुत ज़्यादा अभी हम जा रहे हैं घर की ओर देखते हैं पार्किंग में आ गया आप देख सकते हैं अभी हम चार फ्लोर नीचे है अभी वो रे हमारे स्कूटी शायद मिल नहीं रही ये पूरी पार्किंग है ब्लू फसीनो देखते हैं तो हमारी स्कूटी हमें पता नहीं कहाँ पे है वो रही हमारी स्कूटी चलो दिख गई हमें गाइस ये रही हमारी स्कूटी बहुत देर से वेट अब भाई अभी हम निकल रहे हैं पूरा यहाँ से पूरा बहुत बड़ी पार्किंग थी बहुत बड़ी पार्किंग थी ओ भाई साहब अंधेरा भाई शाम हो गई पता भी नहीं चला सच बताऊँ पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा अगर देखना चाहिए गाइस मुझे ये उम्मीद नहीं थी ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी देख सकते हैं भाई साहब बहुत यार कम हो गई फाइनली मैं आ चुका हूँ घर वो दोनों भी चले गए तो बहुत मज़ा आया जैसा कि पूरा देखा सही था काफ़ी थक गया हूँ अभी तो अभी जाएंगे रेस्ट करेंगे ठीक है तो अगला व्लॉग के लिए इंतज़ार करेगा ठीक है वो भी आएगा लव यू गाइस बाय